आईपीएल सीजन 17 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के लिए बुरी खबर सामने आ रही, क्योंकि अभिषेक शर्मा मॉडल तानिया सुसाइड मामले में अब बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और अगर ये मामला ज्यादा गंभीर होता है तो हो सकता है कि अभिषेक शर्मा आईपीएल 17 ना खेले। चलिए आपको रिपोर्ट में बताते हैं कि अभिषेक शर्मा और मॉडल तानिया सुसाइड मामला आखिरकार है क्या। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा सूरत की मॉडल तानिया सिंह सुसाइड केस में मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अभिषेक को सूरत पुलिस ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि तानिया ने आखिरी कॉल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को किया था। हालांकि अभिषेक और तानिया का रिश्ता क्या है ये तो खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों की सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो सामने आई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच काफी करीबियां थी। दरअसल तानिया 20 फरवरी को देर रात अपने घर लौटी। सुबह बेटी को फांसी पर घर वालों ने लटका देखा, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस को जांच में सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन जांच में आखिरी कॉल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की गई थी। पुलिस प्रेम प्रसंग के सहित तमाम आधार पर जांच कर रही है। तानिया की कॉल डिटेल में कई राज छुपे हैं, ऐसा कहना पुलिस का भी है। वहीं तानिया फैशन डिजाइनर की स्टूडेंट थी, इसके अलावा डिजाइनिंग और मॉडलिंग की फील्ड में भी काम करती थी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि तानिया डिस्क जॉकी, मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल भी रह चुकी है। बताया जाता है कि अभिषेक शर्मा के अलावा कई बड़े लोग भी तानिया के संपर्क में थे, लेकिन अभिषेक को आखिरी कॉल क्यों की थी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। तानिया की कॉल डिटेल से काफी कुछ सामने आ सकता है, लेकिन आखिरी कॉल अभिषेक को की गई थी, जिसके लिए उनको अब पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ेगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि तानिया और अभिषेक के बीच में पिछले कुछ समय से संपर्क नहीं था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के लिए अभिषेक को इसलिए भी बुलाया है क्योंकि वो तानिया के दोस्त थे। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा है। वहीं फर्स्ट क्लास के 24 मुकाबलों में 1071 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक हैं। आईपीएल के 47 मुकाबलों में 892 रन बनाए हैं। इसके अलावा आईपीएल से पहले ये अभिषेक के लिए बड़ा झटका है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो वो युवराज सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। अभिषेक को साल 2022 में आईपीएल ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब देखना होगा कि मॉडल तान्या सुसाइड केस में अभिषेक का क्या होता है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।